अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम 27 पाकिस्तान एचवीएसीआर एक्सपो में हैं और आज लास्ट डे है और हम वेंचर इंजीनियरिंग के स्टॉल्स में हैं और हमारे साथ शेख नौमान साजिद साहब मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि इनका अभी तक एक्सपो का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है और इनकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या सर आपका ये एक्सपो, क्योंकि 2-3 साल डिले होता रहा है, नहीं हो रहा था, तो अब ये आखिरकार हुआ जाके, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक आपका? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा चल रहा है इसमें, जो 3 साल का डिले हुआ है, लेकिन उस तरह का परफॉर्म नहीं किया हमारी सोसाइटी ने, लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छा रहा है, ओवरऑल रिस्पांस ठीक है। आज तो फुटफॉल काफ़ी अच्छा था, पार्किंग में भी जगह नहीं थी और आज तो काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, 2 दिन तो इस तरह का नहीं था असल में, आपको पता है टेम्परेचर भी, आज की गर्मी इतनी है, बहरहाल आज अच्छा रहा है आज का और अच्छा। अच्छा सर, वेंचर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएँ कि आप लोग क्या, किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, आपकी कंपनी क्या काम कर रही है? सर, वेंचर इंजीनियरिंग इज़ ए कम्प्लीट सोल्यूशन ऑफ एचवैक सिस्टम, हम लोग इंस्टॉल करते हैं, टर्नकी बेसिस पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और स्पेशलिटी जो इस टाइम हम लोग ज़्यादा मार्केट में इन है, हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्री में है, होटल इंडस्ट्री में है, शॉपिंग मॉल्स आजकल बहुत ज़्यादा हम लोगों की इंडस्ट्री में हुए हुए हैं और वेंचर इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट तकरीबन 25 ईयर्स से एच वी एस सी सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है मार्केट में और प्रोडक्ट्स हमारे पास जो होते हैं फैन कॉइल यूनिट्स, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, चिलर सिस्टम, कूलिंग टावर्स, कंप्लीट टर्न की प्रोडक्ट्स करके देते हैं हम लोग। और अगर जो अगर इन स्टॉक की बात करें तो इन स्टॉक में हम लोग फैन कॉइल यूनिट्स अपने स्टॉक में रखते हैं, 1 USRT से लेके 4 USRT तक 5-6 मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, इसके साथ थर्मोस्टेट्स होती हैं, टच स्क्रीन LCD नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है वो हम लोग लेके आए हैं मार्केट में, तो ये रेडीली अवेलेबल हमारे पास स्टॉक है इस टाइम मार्केट में। सर ये जो नई टेक्नोलॉजी क्या बात करें, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें, क्या चीज़ है ये? सर नई टेक्नोलॉजी है, ये पहले हमारे एनालॉग बेस चलते थे, टेम्परेचर कंट्रोलर्स होते थे, अभी हम लोग इसको ले गए हैं डिजिटल टच स्क्रीन के ऊपर, एंड्रॉयड हैं, वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं, मोबाइल से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने, यानी अब आपको हैसल फ्री थोड़ा सा कर दिया उन्होंने कि आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, आप उधर मोबाइल से ही इस पूरे सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ को आप पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हो गया। अच्छा सर, एक अभी बहुत ज़्यादा इशू जो चल रहा है प्रिवेलिंग, वो ये है कि गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया हुआ है और एचवैक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है इम्पोर्ट्स के ऊपर, तो इसके ऊपर आपके क्या कॉमेंट्स हैं? जी बिल्कुल जी, हमारी तो इस वक्त जो इन्होंने बैन लगाया है इसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे आइटम्स हैं, ये CBU कंप्लीट इन्होंने सिस्टम पेपर बैन लगाया हुआ है, उससे इंडस्ट्री को इफेक्ट हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है, अभी तो इम्पोर्ट बैन है, ये हो ही नहीं सकते, ये जो हमारे पास अगर स्टॉक देख रहे हैं, ये जो पड़े हैं फैन कॉइल यूनिट्स, ये अभी इस हालत में नहीं आ सकते, वो CKD में कहते हैं आप इम्पोर्ट करवाएं इसको, CBU यूनिट कंप्लीट बैन है। बहरहाल इसके ऊपर बात चल रही है गवर्नमेंट से, कोई लेटर्स वगैरह भी लिखे हैं हमारी सोसाइटी ने, तो होपफुली क्योंकि अगर ये बंद हो गए तो प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लेगी गवर्नमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी क्वालिटी एट पार नहीं है जो कि यूज़ हो सके इधर उधर के प्रोजेक्ट्स में? जी बिल्कुल सर जी, क्वालिटी तो का इशू नहीं है, मसला ये है कि जो डिज़ाइन फैक्टर है ना उसके ऊपर थोड़ा सा R&D करने की ज़रूरत है हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बाकी क्वालिटी तो देखिए एप्पल टू एप्पल कंपेयर की जाती है, इसमें GI शीट है, उसमें GI शीट है, वो सारा कुछ ओके है, जो इसकी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है ना उस पर R&D की ज़रूरत है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को स्पेशली। ठीक हो गया। अच्छा एक और बात बताएं कि क्या वेंचर इंजीनियरिंग अपनी कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कुछ सोच रही है कि अपना फर्दर डाउन द लाइन कुछ इस तरह की तरफ जाएगी? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग में अपने यहाँ पर बिल्डअप कर रहे हैं, एग्जॉस्ट फैंस, वेंटिलेशन फैंस हैं, जेट फैंस हैं, एयर फ्रेश एयर फैंस हैं, एग्जॉस्ट एयर फैंस हैं, इसके अलावा ये हम लोग लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एयर डिवाइसेस हमारी अपनी हैं एल्युमिनियम के अंदर, ये जो चीज़ लोकली हमने इंट्रोड्यूस करवाई है तकरीबन ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स हो गए हैं, अब मार्केट में काफ़ी पेनिट्रेशन की है हम लोगों ने इस पर। और सर आपकी रीच पाकिस्तान में कहाँ तक है, आप किधर किधर प्रोजेक्ट करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट किए हैं, क्वेटा तक प्रोजेक्ट करके आए हुए हैं हम लोग, स्टिल हमारे जो ऑफिसेज अपने ऑफिसेज लाहौर हेड ऑफिस है, एक कराची में हमारा ब्रांच ऑफिस है, एक गुजरांवाला में ब्रांच ऑफिस है, एक क्वेटा में ब्रांच ऑफिस है, एक इस्लामाबाद में ब्रांच ऑफिस है हमारा, इसके बाद सरगोधा में एक हमारा अपना ऑफिस है, उसके अलावा भी हमने रिसेंटली मंडी मॉल ऑफ मंडी बाउदीन में अपना ऑफिस ओपन किया। ठीक हो गया सर, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, फर्दर वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।